रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद किस दिन होगी, यानी कि जुम्मे वाले दिन होगी या सैटरडे यानी कि हफ्ते वाले दिन होगी? अच्छा, पाकिस्तान में भी यही है जी और सऊदी अरब में भी यही है। मुझे लग रहा है कि हम ईद इकट्ठी ना कर लें यार। जैसा कि आपको पता है, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ और भाई मेरी वीडियो ज़्यादातर अगर 100 में से 60-65-70% तक मेरी वीडियो सऊदी अरब में देखी जाती है जी। तो आप भाई और हम पाकिस्तानी भाई यार, हम इकट्ठी ना ईद कर लें। आपसे बुरा दिए, आप ही पाकिस्तानी हैं यार, हमारे भाई हैं और यकीन कीजिए पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं हम परदेसी भाई, चाहे जिस कंट्री में बैठे हो। अच्छा, ईद के ऊपर ही बात कर लेते हैं यार। मैं बोलता हूँ ईद इकट्ठी गले मिल लेते हैं। कुछ मामला इस टाइप के आ रहे हैं। मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो शेयर की जिसमें जुम्मे वाले दिन के मुतल्लक बताया जा रहा था माहरे फल्कियात की तरफ से, लेकिन आज की जो न्यूज़ सामने आ रही है इनके मुताबिक तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान में भी वैसे सैटरडे यानी कि हफ्ते वाले दिन ईद होने का अमकान जाहिर किया जा रहा है, यानी कि हमारे भी कल जुमेरात है जी, कल यानी कि ये देखा जाएगा, सॉरी दो दिन के बाद जुमेरात वाले दिन चांद देखा जाएगा और सऊदी अरब में भी देखा जाएगा। लेकिन ना बात यह है कि जुमे वाले दिन ईद होती है या नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है या सऊदी अरब में होती है, ये तो उसी दिन से पता चलेगा ना। आपको पता है, ये तो अल्लाह ताला की जात को पता है। बाहर फल्कियात हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी और हो, ये हमारे तो आइडियाज ही होते हैं। लेकिन एक चीज वीडियो के शुरू में बताता चलूं, तमाम परदेसी भाई जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, आपने एक चीज के ऊपर खास नजर रखनी है जी। वो क्या, देखिए आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसा कि आपका फेसबुक का अकाउंट हो गया, इंस्टा का, ट्विटर का या टिकटॉक का कोई भी हो गया, उसके ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं बैठकर ऐसे बैठकर आपने वीडियो नहीं ईद के मुतलक बनाकर, नहीं समझे नहीं आप। देखिए ऐसे वीडियो बना सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे नहीं बता सकते हैं जी ईद जुम्मे वाले दिन होगी ये कन्फर्म हो गया, ऐसे नहीं आप बता सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी? सऊदी अरेबिया की वजारत अदल। पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान में तो रात 11 बजे भी ईद करवा देते हैं, 12 बजे भी करवा देते हैं, तो लोगों ने सुबह रोजा रखा होता है। तो बहरहाल जी आपने कोई भी कन्फर्म न्यूज नहीं बतानी है। कन्फर्म से मुराद ये है कि ये ऐसा ही होगा, डन है जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं करनी है। आइडियाज हर बंदा अपने शेयर कर सकता है। अच्छा बात ये है जी, सबसे पहले आपको एक मैं चीज दिखा रहा हूँ, इसमें देख लें, अब्दुल्ला अल खजेरी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जुमे रात वाले दिन शाम को मौसम अबर आलूद होने की वजह से चांद नहीं देखा जा सकता और हो सकता है ईद जो हफ्ते वाले दिन चली जाए। ये तो एक इनकी बात होगी जी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम सऊदी इंजीनियर जो कि जद्दा में मुकीम है, माजिद अबू अल जाहरा, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जुमेरात 20 अप्रैल को बाद नमाज मगरब चांद देखा जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे पहले नहीं देखा जा सकता, ना ही उससे पहले कंफर्म न्यूज बताई जा सकती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। और जो चांद है वो मक्का के आसमां में देखा जाएगा 20 से 30 मिनट, यानी कि 20 से आधा घंटा तक चांद की तलाश जारी रहेगी और मुमकिन है चांद नजर आ जाए, यानी कि चांस है। और ईद इंशाल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन होगी इंशाल्लाह ताला। वैसे मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये लाइक कर रहा हूँ यार, आप जुम्मे वाले दिन कर ले, हम हफ्ते वाले दिन कर ले, एक दिन का डिफरेंट रखे, डबल ईद का मजा आता है। क्यों, परदेशियों के भाई पाकिस्तान फोन आते हैं, यहाँ से हमारी वीडियो कॉल जाती है ईद मुबारक की, तो और आगे वाले दिन वहां से हमें ईद मुबारक की कॉल आती है। तो बहरहाल जी अगर बात करें, यहाँ पर एक और आपको दिखा रहा हूँ, अल खुबीर अल फल्की अब्दुल्ला अल मसंद, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 29 रमजान को कोई भी बंदा 100% ये नहीं बोल सकता कि जुमे वाले दिन ईद होगी, यानी कि जुमेरात वाले दिन। तो बहरहाल इसमें अभी दो तरह की राय चल रही है, जुमा या हफ्ता। आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा यार कि जुमे वाले दिन होनी चाहिए या हफ्ते वाले दिन। लेकिन मेरा ये मानना क्या, मुझे लगता है कि जुमे वाले दिन हो जाएगी, और हो भी जाए तो बेस्ट है यार, खुशी वाली बात होगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर।